लॉन्गेस्ट रनिंग शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेज रोशन सोढ़ी का किरदार निभा चुकी जेनिफर मिस्त्री इन दिनों सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी समेत 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस किसी मुद्दे पर खुलकर बात करती हुई आई हैं। एक बार उन्होंने कास्टिंग काउच का भी खुलासा करके सभी को हैरान कर दिया था। जेनिफर मिस्त्री ने एक बार अपने यूट्यूब ब्लॉग में खुलासा किया था कि वो कास्टिंग काउच का भी शिकार हो चुकी हैं। जेनिफर ने बताया था कि कास्टिंग एजेंट्स उन्हें क्या क्या कहते थे। एक्ट्रेस ने कहा, तुम किसी से मत कहना कि तुम शादीशुदा हो, तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगी। क्या आप सभी को बताते रहते हो कि आप शादीशुदा हो, ऐसे तो आपको कभी भी सक्सेस मिलेगी नहीं। तुझे ना कुछ और करना चाहिए, मैं तुझे चांस दिलाती हूँ, थोड़ा सा तुझे प्रोड्यूसर के साथ घूमना पड़ेगा बस। मुझे यह सब कहा जाता था। जेनिफर ने बताया था कि एक बार साउथ इंडियन प्रोड्यूसर ने फिल्म देने के बहाने होटल में बुलाया और उन्हें घूमने के लिए बुलाया। जब एक्ट्रेस को बात खटकी तो वो वहां से भाग गईं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।